गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत। क्या फिल्म के सारे रोमांटिक सीन्स सिर्फ और सिर्फ सीमित दायरे तक शूट किए जाने वाले हैं? क्या इस फिल्म की कहानी होने वाली है अलग रोमांटिक कहानियों से अलग? और फिल्म में कैरेक्टर की मासूमियत बनाए रखने के लिए चैलेंज क्यों रहा मेकर्स के लिए? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म राधे कृष्णा की। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि लैला मजनू की कहानी तो सबने सुनी ही होगी, जहाँ पे कोई अगर शादीशुदा कपल हो या फिर कोई एंगेज न्यूली कपल हो या फिर स्कूल का प्यार हो, उन्हें कहा या तो लैला मजनू या तो तोता मैना ही जाता है, इन्हीं नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए और हमें समझ आया कि राधे और कृष्णा तो दोनों अलग अलग हुए, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा और अटूट था कि उनका नाम आज भी साथ नहीं यूज़ किया जाता है, कुछ इसी कहानी को लेकर आ रहे हैं हमारे डायरेक्टर राधे श्याम कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर होने वाले हैं वो। और वैसे आप बता दें कि इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ एक रोमांटिक कहानी दिखाई जाएगी जिसमें प्यार की कोई सीमा नहीं होने वाली है। कुछ अटूट रिश्ते दिखाए जाने वाले हैं और कुछ ऐसे दृश्य जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। अगर आप उन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। प्यार कोई पागलपंती नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में सबके पास आया ही होता है, सबको काफ़ी पसंद भी आता है और ये एहसास जीना ज़रूरी भी होता है। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग इस एहसास को कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज लेकर आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी विक्रमादित्य नाम के व्यक्ति की राधे श्याम स्टोरी में हम देखने वाले हैं, जिसमें हमें बैकग्राउंड लाइटिंग्स बहुत ही लाइट और सटल मिलेगी ताकि लोगों का जो मासूम सा चेहरा है, यानी हमारी एक्टर्स का मासूम सा प्यारा सा चेहरा, हमें बहुत ही मासूम का कैरेक्टर लगे। अब इस चीज़ को करने के लिए मेकर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती तो थी ही, पर आखिर काम कब आएंगे हमारे मेकर्स? अब अगर इस फिल्म के जॉनरों की बात करें तो ये होने वाली है एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। लेकिन बॉलीवुड में कोई भी फिल्म बिना एक्शन के पूरी हो जाए ये तो बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है, तो इसमें भी थोड़ा एक्शन होना तो बिल्कुल लाजमी ही है ताकि बॉलीवुड का थोड़ा टच तो हमें मिलता ही रहे। अब बाद में अगर ये स्टोरी एक बन सकती है मोटिवेशनल स्पीकिंग उनके लिए जो उनके प्यार में मंजूरी ना मिलने पर या तो वो सुसाइड करते हैं या कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ ऐसी ही प्यारी सी कहानी लेकर आ रहे हैं राधे श्याम, जिसके लिए लोग वेट नहीं कर पा रहे हैं। लोग क्या हम भी और बाकी सारी इंडस्ट्री भी वेट नहीं कर पा रही है? क्या लगता है आपको, क्या होगी इसकी, किस टाइप की स्टोरी होगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।